Hello everyone. So optical instrument is the topic that we will be covering in this video. So optical instrument means any instrument that is used for light. So light mein jo use karenge usko hum optical instrument keh sakte hain. Kuch instruments hum log already baat kar chuke hain, jaise ki mirror mein light kaise behave karti hai aur mirror ka kya role hota hai, lens aur combination of lenses, in sab ke bare mein baat kar chuke hain. अभी जो हम लोग बात करेंगे इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पर्टिकुलरली, वो दो डिवाइसेस के बारे में होंगे. एक माइक्रोस्कोप के बारे में होगा एंड सेकेंड विल बी टेलीस्कोप. सो हाउ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप वर्क्स, उन दोनों को यहाँ पर स्टडी करेंगे. सो वन बाय वन लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज माइक्रोस्कोप. इस डिवाइस का क्या यूज होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल से. लेट्स से अपने पास दो ऑलमोस्ट ज़ीरो साइज़ के पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट. इनके बीच का सेपरेशन एक्स है. जब हम लोग ये बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम ए पॉइंट को देख पाते हैं, बी पॉइंट को देख पाते हैं, और ए और बी के बीच का गैप एक्स है वो हम मेज़र कर सकते हैं. यानी ए एंड बी दे आर द सेपरेट पॉइंट दैट वी कैन थिंक अबाउट. सपोज करो ये एक्स की वैल्यू बहुत छोटी होती जा रही, क्लोज टू ज़ीरो होगी. जब x की वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा तो ये a और b पॉइंट बहुत पास पास आ जाएंगे. अभी भी मैंने इनको दूर दिखाया सो दैट कि हम लोग अपनी नेकेड आई या अनएडेड आई से इसको वॉच कर सकते हैं. सपोज करो ये और भी पास पास आ जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा अपने को, एक और b, दैट मीन्स a और b दोनों एक के ऊपर एक नज़र रहेंगे. दैट मीन्स वी अवर आईज विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लोकेशन ऑफ a एंड द लोकेशन ऑफ b. सो इन दिस एग्जाम्पल और दिस केस आप पाओगे कि ए और बी को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इस वाले केस में हम लोग ए और बी को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं और इस पर क्लियरली कर पा रहे हैं. सो इसका मतलब है जिस आई से हम लोग वॉच कर रहे हैं उन आईज़ की अपनी रेजोल्यूशन पावर है, उन आईज़ को डिस्टिंग्विश करने की जो पावर है वो यहाँ तक रहती है. इसको अगर आपको अलग अलग वॉच करना है तो आप केवल अनएडेड आई से या नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. उसके लिए फिर अगर इसको क्लियरली आपको अलग अलग देखना है उसके लिए कोई डिवाइस चाहिए. सो उस तरह की डिवाइस जो हमको इन दोनों को सेपरेट करके दिखाएगी, दैट मीन्स वी कैन सी कि इस केस में ए और बी के बीच में कितना गैप चल रहा है, उस गैप को, देयर इज अ सर्टेन गैप बिटवीन द ए एंड बी एट दिस केस एज वेल. सो कितना गैप है उसको अगर हमको वॉच करना चाहें और अलग अलग उनको वॉच करना चाहेंगे तो उसके लिए हमको एक एडिशन करना होगा, एक डिवाइस यूज़ करनी होगी. उस डिवाइस को हम बोलेंगे माइक्रोस्कोप. तो अब इसको हम रिवर्स में बोल सकते हैं कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो क्लोजली लोकेटेड पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करके दिखाता है. सो इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश द क्लोजली लोकेटेड पॉइंट्स देन वी नीड टू यूज अ माइक्रोस्कोप. नाउ माइक्रोस्कोप में अलग अलग उनका रेजोल्यूशन पावर्स रहेगा. कुछ माइक्रोस्कोप इसको क्लियरली शो कर देगा और कुछ इसको और भी क्लियरली शो कर सकता है. सो डिपेंड्स कि वो कितना मैग्नीफाई करके दिखा पाता है. सो उसको हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करके ये देखते हैं. नाउ यहाँ पर अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो माइक्रोस्कोप्स हैं वो किस तरह से फंक्शन करते हैं. सो आइडिया क्या हुआ कि जो दो पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है जो अदरवाइज हम नेकेड आई से नहीं वॉच कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप उनको डिस्टिंग्विश करके दिखाता है. सो दिस इज फॉर द माइक्रोस्कोप्स आर बीइंग यूज्ड. नाउ देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स. सिंपलेस्ट वन इज कॉल्ड दी सिंपल माइक्रोस्कोप. सो अगर हम इसका सिंपलेस्ट वर्जन देखना चाहें सो दैट्स कॉल्ड द सिंपल माइक्रोस्कोप. हाउ द सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क्स वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स के बारे में भी बात कर पाएंगे. जो सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं दैट इज बेसिकली नथिंग बट लेंस. और ये जो आपने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा है पहले कभी, एग्जैक्टली इसी लेंस को हम लोग यूज़ करते हैं. और एक लेंस ही हमारे लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करता है. कैसे करता है, लेट्स सी कि अगर ये लेंस है अपने पास और अपने पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट आपने प्लेस करनी है, और आप लेट्स से आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस कर दी, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट कुछ एच है, एंड ये जो लेंस है इस लेंस का फोकल यहाँ पर है और आप यहाँ से देखना चाहते हो. लेट्स से यहाँ पर कहीं आई है, दिस इज पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर वी आर वॉचिंग. सो आपको ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी नज़र आएगी, तो आप बोलोगे आपको ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो नज़र आने वाला है. कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस को आपको यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है, उसके ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में.
As per the rule, whenever we place any object between the focus and the optical this optic center, then you'll find ki image is always going to be enlarged. That means magnified image banti hai, aur yahan hamara purpose tha magnify karne ka, and wo erect banti hai aur wo virtual banti hai. So is point ka hum log use karte hai. To simple microscope mein a convex lens use kiya jata hai. A convex lens with object, short mein main likh de raha hu important points, with object placed at or placed between focus and optic center. ऐसा करने से आपको इमेज कैसी मिलती है उसके बारे में भी मैं लिख देता हूँ. द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड. When you say magnified, we mean it's enlarged. It is erect. That means it's going to be in the same direction as the object is, and virtual. It's going to be virtual, not real. So हम virtual image को watch करेंगे जो कि erect होगी और main purpose है वो magnified होगी. So अगर वो magnified है तो उसको हम और detail में watch कर सकते हैं, right? अगर ray diagram से देखना चाहें तो how it is going to be. आप बोलोगे कि एक लाइन यहाँ से हम स्ट्रेट लेके जाएंगे. अगर हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे को लेके जाते हैं तो वो इस तरह से चली जाएगी, वो सेकंड फोकस से पास करेगा. और अगर आपने एक ऑप्टिक सेंटर से पास कराते हैं लाइट को इस तरह से, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर. सो अगर ऑप्टिक सेंटर से जाएगा सो वो अनडेविएटेड जाता है, इस तरह से जाता है. It will take time to draw it, some sort of this. तो आप पाओगे कि इधर ये almost parallel जाएगा जो कि उसको मिलने का chance नहीं होगा. But अगर आप इसको produce करेंगे back side, so they make it they will be meeting somewhere. So they meet at this point. जिस point पर meet करेंगे वो उसके लिए image का काम करेगी. So ये जो dotted बनाया मैंने ये image हो जाएगी. So that's going to be image, or we can call it H dash. Now you say ki this is object, this is image. Now just by using this lens, we are able to see a small object by making it a large enough, right? So agar is small object pe koi bhi do point aapne choose kiye hote jo ki bahut close hai, jo ki otherwise visible nahi hote, ya fir unki visibility unke beech ka jo distinguishness hai wo kam raha hota hai, so the same point will be now very far apart. सो उनके बीच का गैप अब ज़्यादा हो जाएगा. दैट मीन्स यू आर एबल टू सी देम इन इनलार्ज पोजिशन. दैट मीन्स यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश देम बेटर वे. सो दिस इज हाउ द सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क्स. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वेरी सिंपल. वी नीड टू हैव अ कॉन्वेक्स लेंस एंड वी नीड टू प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिक सेंटर. दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड इमेज इज गोइंग टू बी इरेक्ट एंड इट्स इनलार्ज एंड इट इज वर्चुअल. सो दिस इज कॉल्ड simple microscope. Okay, after knowing what is the setup and what a simple microscope is consist of, apne ko ye samajhna hai ki isko kaise measure karenge aur kya measure karenge, kaun sa microscope acha hoga, kaun sa less better hoga, usko distinguish karne ke liye hum ek parameter define karte hain jisko kehte hain magnifying power. So main yahan pe likhta hu magnifying power. और बेस्ड ऑन मैग्नीफाइंग पावर हम डिसाइड करते हैं कौन ज़्यादा मैग्नीफाई कर पाता है, कौन कम मैग्नीफाई कर पाता है. जो ज़्यादा मैग्नीफाई करेगा डेफिनेटली वो एक अच्छा हाई क्वालिटी का माइक्रोस्कोप होता है. मैग्नीफाइंग पावर को अगर हम लोग एम से डिफाइन करते हैं तो एम को लिखा जाता है थीटा डिवाइड बाई थीटा नॉट. अब ये थीटा क्या है, थीटा नॉट क्या है, इसके बारे में समझते हैं. नाउ अगर आप इस फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो हाइट और ये सेंटर से जाने वाली लाइट है इसको, इससे जो एंगल बन रहा है उसको हम थीटा बोलते हैं. सो थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन व्हिच इज बेसिकली जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इमेज एज वेल एज द ऑब्जेक्ट, दोनों को जॉइन कर रहा होता है. तो इस थीटा को हम यहाँ मेजर करेंगे. थीटा नॉट अपने लिए एक रेफरेंस होता है. क्या रेफरेंस होता है उसको भी हम डिटेल में समझेंगे. सो व्हाट दिस थीटा, हाउ दिस थीटा इज गोइंग टू बी मेजर. नाउ
अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किए तो ये अपने लिए किसका काम करेगा, यू का काम करेगा, और अगर यहाँ पर ये बना हुआ है तो ये किसका काम करेगा, ये वी का काम करेगा। और हम लोग जानते हैं कि लेंस का एक फॉर्मूला होता है जिससे यू वी और इसका फोकल लेंथ आपस में लिंक रहा होगा। सो अगर अपने को थीटा निकालना है तो थीटा और टेन थीटा आपस में बराबर होते हैं क्योंकि पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन चल रहा होता है, तो थीटा की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो टेन थीटा के बराबर हो जाएगी। और टेन थीटा को अपने को हम लोग टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट दिस, टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई यू, ये एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा एच बाई यू। और क्या इसी की वैल्यू एच डैश बाई वी भी हो जाएगी, एच डैश बाई वी। तो अगर आपको सेटअप दिया हो, अगर हाइट ऑफ इमेज पता है और वी नोन है तो हम एच डैश बाई वी लगा सकते हैं, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नोन है और उसका पोजिशन नोन है तो यहाँ से हम h बाई यू भी लगा सकते हैं। इस तरह सबको थीटा मिल जाएगा। अपने पास एक और फार्मूला रहेगा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। सो अगर एक से दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो ये लेंस का फार्मूला भी लगा सकते हैं। सो किसी भी माइक्रोस्कोप की कभी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी होगी तो हम उस थीटा को पता करेंगे और थीटा पता करने के बाद एक रिफरेंस थीटा नॉट से डिवाइड करेंगे। नाउ व्हाट इज अ रिफरेंस थीटा नॉट, इसको समझ लेते हैं। तो इससे मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। नाउ इस थीटा नॉट यानी जो रिफरेंस के लिए हमको यूज़ करना है थीटा नॉट, उसको समझने के लिए हमको ह्यूमन आई के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेना है। बाकी रेस्ट ऑफ द आइडिया यू नो, आप ये भी जानते होंगे बेसिक आइडिया। अगर ह्यूमन आई के बारे में बात करें तो इस तरह से स्फेरिकल एक बॉल होती है जिसको हम आई बॉल कहते हैं, और जो फ्रंट में ये लगा होता है ये लेंस होता है जिसको आई लेंस कहते हैं। तो ये लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करता है। सो आई लेंस और ये आई बॉल होता है, बैक साइड में रेटिना होती है और जो इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो रेटिना पर ही बनती है। सो और अगर कोई हेल्दी ह्यूमन आई के बारे में हम बात करें तो वो एक पर्टिकुलर लेवल से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक को ही मेज़र कर पाता है। सो लेट्स से कि एक ये डिस्टेंस होती है जहाँ से अगर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, लेट्स से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया और इस ऑब्जेक्ट को ये ह्यूमन आई क्लियरली देख पाएगी। देख पाने का मतलब हुआ इस लेंस से इस पर एक इमेज बन रही होगी और वो इमेज इस तरह से बनती है रेटिना पर। इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट रेटिना और जो इमेज बनता है दैट इमेज इज इन्वर्टेड एंड देन ह्यूमन आई इसे सिग्नल जाता माइंड में, माइंड परसीव कर लेता है कि किस तरह की ऑब्जेक्ट है, बट ये इन्वर्टेड बनती है और रेटिना पर बनती है। तो ये पॉइंट है छोटे से जो आप याद रख सकते हो। एंड पॉइंट इज कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे क्लोज टू आई और अवे फ्रॉम द आई तो हम देख सकते हैं कई एक रेंज तक हमको ये इमेज फॉर्म होता नज़र आता है रेटिना पर, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है उसके अगर हमने और भी अंदर कर दिया तो फिर यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। सो एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजिबिलिटी, इस डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से लिखते हैं। सो हेल्दी ह्यूमन आई के लिए जो डी की वैल्यू होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो 25 सेंटीमीटर तक हम लोग क्लोज इसको वॉच कर पाते हैं, उसके और क्लोज पे प्रॉपरली वॉच नहीं कर पाते हैं। इसके बाद एक पॉइंट होगा, अगर आप इसको दूर रखते रहेंगे चलेगा, इनफाइनाइट पर भी रखेंगे तो भी चलेगा। तो इस पॉइंट पर जब हम लोग रखते हैं डी पॉइंट पे तो उसको बोलते हैं दैट इज नियर पॉइंट, नियर पॉइंट विजन। जब कभी नियर पॉइंट विजन बोला जाएगा इसका मतलब एक ही होगा कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा हुआ है या फिर जो जिसको आप देख रहे हैं वो कहाँ पर है, वो नियर पॉइंट पर है, डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पर है। और इसको नियर पॉइंट एडजस्टमेंट भी कहते हैं। आई के साथ एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि वो एडजस्ट करता है आई लेंस। आई लेंस एडजस्ट करने की वजह से ही डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन की इमेज को रेटिना पे बनाता है। अगर मैथमेटिकली आप समझेंगे तो ये अपने पास फॉर्मूला है, अगर हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग लोकेशन पे रख रहे हैं तो क्या बदल रहे हैं, यू की वैल्यू बदल रहे हैं और लेंस से जो रेटिना की डिस्टेंस है वो फिक्स होती है यानी वी की वैल्यू फिक्स है। तो अगर हमको डिफरेंट डिफरेंट यू रखने पर सेम वी पर अगर हमको इमेज चाहिए तो हमको एफ बदलना पड़ता है। सो व्हाट द आई डज, आई चेंजेस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस और ये फोकल लेंथ नेचुरली चेंज होती है और इस फोकल लेंथ को चेंज करके हम वेरियस लेवल की लोकेशंस को वॉच कर सकते हैं, राइट। इस नेचर ऑफ आई को बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। सो आई कैन डू द एकोमोडेशन एंड नियर पॉइंट एकोमोडेशन इज डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एक होता है फार पॉइंट विजन। क्या होता है फार पॉइंट विजन का मतलब हुआ है जब आप देखना चाहेंगे तो आपके लिए ऑब्जेक्ट जो होगी वो इनफाइनाइट पर होगी। सो उसके लिए जो यू की वैल्यू होती है इनफाइनाइट होती है।
इसको हम फार पॉइंट को नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं. सो फार पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल एडजस्टमेंट. ये टर्म्स आपको याद होने होंगे, रखने पड़ेंगे. तो आपसे बोलेगा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट है आई का, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है. नियर पॉइंट एडजस्टमेंट है, इसका मतलब है कि 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है. अंडरस्टूड? सो अगर हमने डी को 25 सेंटीमीटर पर रखा ऑब्जेक्ट को, तो ये भी कोई ना कोई एक एंगल बना रहा होगा जो यहाँ से लाइन जा रही होगी, इस लाइन से जो कि इसके ऑप्टिक सेंटर से पास कर रही होगी लेंस के. इस एंगल को हम यूज़ करते हैं एज अ थीटा नॉट. सो दिस इज यूज्ड एज अ थीटा नॉट. सो थीटा नॉट द रेफरेंस इज टेकन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई फॉर नियर पॉइंट विजन. सो यहाँ से थीटा नॉट की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी. व्हाट द थीटा नॉट विल बिकम एज अ 10 थीटा, देन यू कैन से h by t. Now you got to know what the theta naught is. You got to know how the theta has to be calculated for added eye or for this simple microscope. Dono ko merge karke hum magnifying power ka formula derive kar sakte hain. Fine. Aur is derivation mein theta naught ki definition yehi rahegi. So this is how we have considered our reference. So you can think of this as our reference. And theta will be calculated depending upon where we are placing the object. That means it will depend on the u. Or the V that we are getting, and then we can find the magnifying power. So let's try to make the formula. So magnifying power calculate करते हैं normal adjustment point के लिए. तो normal adjustment का मतलब हुआ कि आई को object कहाँ पर नज़र आना चाहिए, infinite पर नज़र आना चाहिए आई के लिए. So हमने आई को यहाँ पर place किया, let's say ये अपना आई है, और इसको अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे दिखना है तो इस पर आने वाली लाइट रेज कैसी आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए. सो आइडिया इज कि आईज पर जो लाइट रेज आनी चाहिए वो पैरेलल आनी चाहिए. अगर ये पैरेलल आएगा तभी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट मतलब आई के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनफाइनाइट पे होगा. अब ये जो माइक्रोस्कोप है ये सिंपल माइक्रोस्कोप. सो व्हाट द माइक्रोस्कोप हैज टू डू, माइक्रोस्कोप का काम ये होगा कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज इनफाइनाइट पे बनाए. और हम जानते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज आपको इन्फाइनाइट पे बनाना है तो उसको कहाँ पे प्लेस करना होगा, फोकस पे प्लेस करना होगा. इसलिए नॉर्मल एडजस्टमेंट केस के लिए हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना है, जिससे कि इमेज इन्फाइनाइट पे बनेगी. वो जो इमेज होगी, इस लेंस का इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा. इट्स लाइक टू लेंसेज आर प्लेस टुगेदर, राइट. सो इसकी जो इमेज आएगी वो इन्फाइनाइट पे बनेगी. अगर उसको आप देखना चाहें तो बैक प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से और इनफाइनाइट तक ले जाएंगे, और इनफाइनाइट पे कहीं बन रहा हो. अगर ये इनफाइनाइट पे फॉर्मेशन चल रहा है तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी. अपना पर्पस था मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए, तो मैग्नीफाइंग पावर इज थीटा अपॉन थीटा नॉट. और थीटा नॉट की जहाँ तक बात है वो हम लोग अब लर्न कर चुके हैं, वो एच अपॉन डी आता है, जहाँ डी 25 सेंटीमीटर है वो अपने को पता है. नाउ वी वॉन्ट टू नो वी व्हाट थीटा इज गोइंग टू बी. थीटा इज दिस एंगल. नाउ ये इसकी हाइट एच है, और अगर ये फोकस पे रखा गया है तो फिर ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगी, इजंट इट. सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा, विच इज एच अपॉन एफ. नाउ दोनों को डिवाइड कर देंगे. सो एम की जो वैल्यू आएगी तो थीटा अपॉन थीटा नॉट, विच इज बेसिकली एच बाई एफ डिवाइड बाई एच बाई डी. सो ये आपस में कैंसिल आउट होकर के क्या बनेगा, डी बाई एफ. सो दिस बिकम अ फॉर्मूला, m is equal to d by f is the magnifying power of a lens which is behaving like simple microscope, but this is for the case of normal adjustment. That means the object if you want to see at infinity. So exam mein aisa bolega ki normal adjustment ke liye magnifying power bataiye, focal length agar aapko diye, iski focal length aapko dega f. सो डी आपको पता है, फोकल लेंथ को डिवाइड कर देंगे आपको मैग्नीफाइंग पावर पता चल जाएगी. इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि लेंथ और लेंथ के यूनिट को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं. सो ये यूनिट लेस हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द नॉर्मल एडजस्टमेंट फार्मूला. नाउ मैग्नीफाइंग पावर अभी फिर से निकालना हम लोगों को, बट दिस टाइम दिस इज फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट. सो पहले तो हम लोग को याद रखना कि नियर पॉइंट एडजस्टमेंट क्या होता है, कि आई के लिए ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे लाइट आनी चाहिए. अच्छा, ये अपने लिए माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप है, और आई कहाँ पर होता है, आई को हम लोग इसके क्लोज रखते हैं,
यहाँ पर दिखाने के लिए इसको हम दूर बना सकते हैं, बट हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे आई और लेंस या माइक्रोस्कोप के बीच का गैप ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो आई के बहुत क्लोज लेके आते हैं, द सिंपल रीज़न बीइंग कि हम लोग ये मान के चलें कि ये जो डिस्टेंस है वो इग्नोरेबल है, सो आई इज़ वेरी क्लोज टू द लेंस। अब आप अगर चाहते हो कि नियर पॉइंट एडजस्टमेंट हो तो आई को जो ऑब्जेक्ट नज़र आना चाहिए वो डी डिस्टेंस पे नज़र आना चाहिए, और आई को जो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा वो बेसिकली इस लेंस या माइक्रोस्कोप का इमेज होगा, और रियल ऑब्जेक्ट आपके पास ये है, इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, रियल ऑब्जेक्ट ये है। इस ऑब्जेक्ट का पहले माइक्रोस्कोप एक इमेज बनाएगा, और इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, तो इसकी हाइट अगर एच है तो ये इमेज बनेगी एच डैश। ये जो इमेज है, दिस इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ, यू कैन कॉल इट एज आई। दिस इमेज नाउ इज गोइंग टू एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, तो आई के लिए फिर ये ऑब्जेक्ट होगी। अगर हमको नियर पॉइंट एडजस्टमेंट करना है सो कैन वी थिंक ऑफ कि इसको आई से जो डिस्टेंस आना चाहिए वो डी आना चाहिए, बट आई को हम क्लोज मेजर करेंगे माइक्रोस्कोप के, तो इसलिए इस डी को हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं, दैट मीन्स लेंस से, तो दैट इज डी। सो इन केस लेंस इमेज डी डिस्टेंस पे बनाएगा, दैट विल बिकम द नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, और अगर लेंस इनफाइनाइट पर बनाएगा तो दैट विल बिकम नॉर्मल एडजस्टमेंट। सो ये दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जिसको हमको समझना होता है। अगर हम दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए फार्मूला जानते हैं तो नॉर्मली क्वेश्चन इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स से रिलेटेड होगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा एडवांस लेवल पर तो वो क्या करेगा कि वो किसी भी डिस्टेंस पर रख करके बता सकता है, तो पॉइंट इज वो डी की जगह कोई और वैल्यू भी बता सकता है कि इमेज कहाँ पर रखनी है। तो जहाँ पर इमेज रखनी होगी वहाँ का वैल्यू हमको पता होगा, वो वैल्यू पता होगा, तो उसका वर्किंग जस्ट लाइक दिस केस होगा। तो जिस तरह से हम इस केस पे वर्क करेंगे सिमिलरली उस केस पे भी हम वर्क कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर इस एंगल को हम थीटा पकड़ेंगे, इसी एंगल को हम पकड़ना चाहेंगे कि ये कितना एंगल बन रहा है थीटा, उसके लिए अपने को ये यू बताया जाएगा, यू राइट। और अगर ये अपने को यू पता चलता है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं लेंस मेकर फार्मूला और लेंस फार्मूला को यूज़ करके। तो एज पर लेंस फार्मूला क्या होता है, कैन वी से कि जो लेंस की वैल्यू होती है, लेंस फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 1/v - 1/u = 1/f। नाउ इमेज का लोकेशन आपको पता चल रहा है, इसका मतलब ये जो लेंस फार्मूला हम लगा रहे हैं वो किस पे लगा रहे हैं, माइक्रोस्कोप पे लगा रहे हैं, आई पे नहीं लगा रहे हैं, आई इज द सेकेंड वन। सो वी के प्लेस पर अपनों कितना लिखने वाले हैं, क्या यहाँ पर वी की जगह पर हमने माइनस डी लिखना चाहिए क्योंकि लाइट रेस इधर जा रही थी, तो ये पॉजिटिव टेरिटरी रहा होगा, ये नेगेटिव टेरिटरी रहा होगा। और यू के प्लेस पे कितना लिखना होगा, तो आप माइनस मॉड यू लिख सकते हो क्योंकि यू को भी नेगेटिव लिखना होगा, मॉड यू मतलब यू का मैग्नीट्यूड केवल लिखना अपने को। और एफ पॉजिटिव रहता है, इसको यहाँ पर रख देंगे, जब आप पे प्लेस करोगे आप तो अपने को मिलेगा 1/-d - 1/-mod u = 1/f। क्या यहाँ से मॉड यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ से हम मॉड यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो इट कैन बी सिंप्लीफाइड लाइक कि एक आप चाहो तो इसको डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा -1/d/u = d/f। सो यहाँ से अगर डी अपॉन मॉड यू की वैल्यू अपने को निकालना है तो इसकी जो वैल्यू है दैट विल बिकम 1/d/f। सो यहाँ से डी अपॉन मॉड यू कैलकुलेट हो गया। अच्छा, डी अपॉन मॉड यू पे हमारा क्यों इंटरेस्ट चल रहा था, क्योंकि हम थीटा निकालना चाहेंगे, सो व्हाट द थीटा इज गोइंग टू बी, कैन वी से कि थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी रिटन एज h/u mod u, ऑफकोर्स मॉड यू हम लोग लिखना चाहेंगे थीटा के लिए। और थीटा नॉट की वैल्यू कितनी होती है, थीटा नॉट इज h/d, सो व्हाट द मैग्नीफाइंग पावर विल बिकम, सो क्या यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर लिख सकते हैं, m = θ/θ0, सिंस दिस इज द रूल ऑफ फार्मूला, दोनों को जो आपस में डिवाइड करेंगे तो ये डी अपॉन मॉड यू बन जाएगा। सो कैन वी से कि जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका फार्मूला अपने को मिल जा रहा है 1/d/f। ना आपको अगेन डी पता होगा, एफ पता होगा, मैग्नीफाइंग पावर आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो यहाँ की जो मैग्नीफाइंग पावर आ रही है ये 1/d/f आ रहा है, इससे पहले आपने जो देखा था वो d/f आ रहा था। सो ये नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर है, वो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए था। अब सपोज कर लीजिए कोई और एडजस्टमेंट के बारे में बात करेगा तो वो डी की वैल्यू बता देगा, डी का मतलब यहाँ पर वी आएगा, सो वी की वैल्यू आपको बताएगा कोई दूसरा नंबर, तो वी की वैल्यू आपको पता होगा, यू आपको मॉड यू लिख देना है, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे,
or in place of d, whatever the number v was given, you can place that. You can find the magnifying power for any adjustment, and generally it will be asked for the near point adjustment or far point adjustment. Now after solving this simple microscope, now we can handle the complex microscope. Idea will remain the same. Magnifying power calculate करने के लिए theta upon theta naught निकालेंगे, और अगर हम हमारे पास मल्टीपल लेंसेज को हम प्लेस करते हैं तो मल्टीपल लेंसेज को प्लेस करने के बाद भी हम फाइनल वाला थीटा निकालेंगे और थीटा नॉट अपने पास रहा होगा और दोनों को डिवाइड कर लेंगे. फिर थीटा निकालने के लिए क्या करना होगा, दी ये एच अपॉन यू निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो एटलीस्ट सिंपल अगर क्लियर हुआ तो फिर हम आगे कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर सकते हैं. तो दो तरह के माइक्रोस्कोप हम लोग पढ़ रहे हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप विच वी हैव कम्प्लीटेड. नाउ वी विल फोकस ऑन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सिंपल का सिंपल में केवल एक लेंस हम यूज़ करते हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम एक लेंस ना यूज़ करके दो लेंस यूज़ करते हैं और दोनों लेंस को कोएक्सली सेम प्रिंसिपल एक्सिस पर उसको प्लेस करते हैं. एंड यहाँ पर हम लोग आई यूज़ करेंगे, मीन्स आई विल बी हेयर. यहाँ से हम वॉच करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाएंगे. सो देयर विल बी समवेयर ऑब्जेक्ट. सो दैट्स ऑब्जेक्ट. सो यू विल फाइंड कि इसके अकॉर्डिंग इनका नॉमनक्लेचर होता है. इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो आपको बताया जाएगा. वो आप जब एक बार जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप परचेज करेंगे, बनाएंगे, उस समय इनको फिक्स कर देंगे. सो एल विल बी फिक्स्ड, दैट मीन्स दोनों की लोकेशन फिक्स हो जाएगी. एंड इसकी जो फोकल लेंथ होगी फर्स्ट की वो अलग होगी, सेकंड की अलग होगी. इसको फर्स्ट कह सकते हो, इसको सेकंड कह सकते हो. अदरवाइज के नॉर्मल क्लेचर भी रहते हैं. नॉर्मल क्लेचर कैसे रहता है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है उसको हम बोलते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस. दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस. और एक जो आई के पास होता है उसको बोलते हैं दैट इज आई पीस. सो एक आई पीस होगा और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा. ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को हम लिखेंगे एफ ओ, आई पीस की फोकल लेंथ को लिखेंगे एफ ई. दिस इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश कि कौन किसका फोकल लेंथ है. और ये ऑब्जेक्ट होगा. अब आइडिया क्या होगा, आइडिया वही होगा कि अपने को इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालना है. ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट एच दी गई है, इस एच हाइट के ऑब्जेक्ट को हम जानना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा हो रहा है. तो अगर आप केवल इतना वॉच करो तो ये अपने लिए सिंपल माइक्रोस्कोप है. नाउ व्हाट दिस इज डूइंग, दिस विल बी डूइंग द एक्स्ट्रा स्टफ. एक्स्ट्रा स्टफ का मतलब हुआ कि ये इस ऑब्जेक्ट को पहले एक इमेज बनाएगा और उस इमेज जो ये इमेज बनेगी फर्स्ट की वजह से ये अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी. तो ये जो सेकेंड लेंस है इसका फर्दर एक नया इमेज बनाएगा और वो इमेज आई के लिए फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगी. तो देयर विल बी सीक्वेंसिंग, लाइक कि ये ऑब्जेक्ट है, देन एक इमेज इससे बनेगा, फिर एक इमेज इससे बनेगा, फिर वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा. सो इट्स लाइक थ्री लेंसेज, वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस, अनदर इज आई पीस, अनदर इज आई, आई इज ऑल्सो अ लेंस. सो थ्री लेंस को आपको एक साथ स्टडी करना होता है. इनफैक्ट अगर आपने ये आइडिया समझा तो अगर इसके आगे एक और लेंस लगा देते हैं इट्स ओके, दैट विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स वन. बट यस, आइडिया विल बी द सेम कि पहले फर्स्ट लेंस से इमेज बनाएंगे, फिर सेकेंड से बनाएंगे, फिर थर्ड से बनाएंगे, फिर फोर्थ से बनाएंगे, फिर आई के लिए हम उसको देखेंगे कि ये फोर्थ का इमेज है वो डी और इनफाइनाइट के बीच में कहाँ पे बन रहा है. डी पर है तो नियर पॉइंट विजन हो जाएगा और इनफाइनाइट पर है तो नॉर्मल पॉइंट विजन हो जाएगा. तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप्स को भी हैंडल कर सकते हैं. एनीवे, आपसे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो अप टू द कंपाउंड, दैट मीन्स दो केसेस को लेकर के, यानी दो लेंस वाला केस पूछा जा सकता है. तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए फॉर्मुलेशन कर लेंगे, तो आप मल्टीपल केस के लिए फॉर्मुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे. चलेगा. तो इसके लिए मैं आपको रे डायग्राम बनाता और दिखाता रफली कि एक अगर लाइट रे आप ये समझते हो, पकड़ते हो, और एक लाइट रे आप ले जाओगे इसके ऑप्टिक सेंटर से, यहाँ से ऐसा जाएगा. सो ऊपर से जो आने वाला लाइट रे है वो उसको इंटरसेक्ट करेगा. थोड़ा सा इसको मैं मोल्ड कर देता सो दैट की पिक्चर सही बनाई जा सके. और इसके बाद ये ऐसा बेंड हो जाएगा. नाउ यू विल फाइंड कि जो यहाँ से कुछ और पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ये जो आई पीस है इसको बड़ा होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव लेंस को छोटा होना चाहिए. कई बार छोटे से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस में कौन सा बड़ा होता है, तो आप बोलोगे कि आई पीस को बड़ा होना चाहिए. क्यों बड़ा होना चाहिए, आप देखो कि ये लाइट रे बेंड हो रही है. अगर ये छोटा रहा होता तो फिर लाइट रे यहाँ से निकल जाती है और लेंस पे मिलता भी नहीं. इसलिए आई पीस को बड़ा रखते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस को छोटा रखते हैं. एक ये पॉइंट आप यहाँ से निकाल सकते हो.
मोरओवर जहाँ पर ये इंटरसेप्ट करेंगे ये इस पॉइंट पर एक इमेज बनेगी, ये इमेज, और इस इमेज को हम बोलेंगे लेट्स से एच डैश, दैट मीन्स ये फर्स्ट की इमेज है। यहाँ पे पिक्चर प्रॉपर नहीं है, अगर पिक्चर हम प्रॉपर बनाएंगे तो एच डैश की वैल्यू ऐसे बढ़ जाएगी, दैट मीन्स ये भी मैग्नीफाई कर रहा है, तो फर्स्ट लेंस इज आल्सो ट्राइंग टू मैग्नीफाई इट। इस मैग्नीफिकेशन के बाद अब क्या होगा कि जो लाइट रे आगे जाएगी तो अगेन ये कन्वर्जिंग लेंस होने की वजह से ये लाइट रे इसको कुछ ऐसे ले जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कैसे कहाँ पर फॉल करता है। अगर इस तरह से ये लेके गया तो फिर अब आई पर ये फॉल करने वाला है, अगर ये आई पे फॉल करने वाला है तो फिर आई को देखना होगा कि आई के लिए ये इसका जो इमेज बनेगा सेकंड की वजह से वो कहाँ पे बन रहा है, तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इनको बैक साइड प्रोड्यूस करना होगा ऐसा, इसको भी बैक साइड प्रोड्यूस करना होगा ऐसा कुछ। तो अगर आप दोनों को बैक साइड प्रोड्यूस करोगे तो समवेयर आई एम ड्राइंग जस्ट अ रफ पिक्चर, समवेयर हेयर दे आर गोइंग टू इंटरसेप्ट, जहाँ पर भी इंटरसेप्ट करेंगे उस पॉइंट पर एक इमेज, नया इमेज बन रहा होगा और उसी इमेज को हम बोलेंगे ये फाइनली इमेज बन रहा है ये वाला, और आप इसको एच डबल डेज बोलोगे तब भी चलेगा या कुछ और भी नाम दे सकते हो। सो ये डबल डेज का मतलब फाइनल वाला इमेज बना। अब आई को ऑब्जेक्ट ये नजर आएगा, यू सी कि ये एच की वैल्यू एक छोटी सी हाइट थी, उसको पहले एच डेज बढ़ाया जो कि बड़ा हुआ होगा, फिर इसने एच डबल डेज बनाया जो कि और भी मैग्नीफाई हो गया। अब आई को ये नजर आने वाला है, तो इसका मतलब है कि हमने मैग्नीफाई कर दिया, ज़्यादा मैग्नीफाई कर दिया। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है कि मैग्नीफिकेशन को बढ़ा देता है, तो अगर हमको ज़्यादा मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत है तो हम सिंपल ना यूज़ करके कंपाउंड यूज़ करते हैं, राइट। जब हम इसको कंपाउंड को यूज़ करेंगे तो आप पाओगे कि अगेन अगर आपको नियर पॉइंट रखना है तो इस डिस्टेंस को क्या रखना होगा, डी रखना होगा, अगर आपको फार पॉइंट रखना है तो फिर इसी को क्या रखेंगे, इनफाइनाइट कर देंगे। तो फिर अलग अलग केस के लिए आपको अलग अलग एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर निकल आएगा। सो लेट्स जनरल केस के लिए बना लेते हैं, और इस डी को मैं अभी हटा देता हूँ, ये डी हो सकता है या फिर इनफाइनाइट हो सकता है, या डी से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी डिस्टेंस हो सकती है ये वाली डिस्टेंस, ओके। नो अगर एक और रे डायग्राम और लाइट रे को ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अगर आप इसको ज्वाइन कराना चाहो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से तो इसको ऑप्टिक सेंटर से पास करेगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा उसके लिए आप बोल सकते हो कि लाइट रे इसको अगर ड्रॉ करोगे तो आप एक ये लाइट रे भी मिलेगी जो अपने लिए काफ़ी काम की है। नाउ अपने को ये थीटा चाहिए होता है, ये थीटा आई के साथ कितना थीटा बना रहा है, सो दैट विल बी बिहेविंग लाइक थीटा फॉर अस। और इस थीटा के लिए अगर हमको कैलकुलेट करना है तो या तो फिर ये डिस्टेंस कैलकुलेट करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, और एच डबल डेज को यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि अपने को ये डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो हम एच डेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो पहले एच डेस से उसका जनरल फार्मूला बना लेते हैं, फिर एच डबल डेस को यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। नाउ एक और थीटा की इसके बाद ये थीटा अपना हो गया, और एक थीटा नॉट होता है जो अपना ओरिजिनल होता है जिसको आप जानते हो, उसको यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ पर मैं ये ब्लैक कलर यूज़ कर ले रहा हूँ डिस्टेंस को दिखाने के लिए, ये डिस्टेंस है, इसको हम बोलेंगे दिस इज़ यू ई, ई का मतलब हुआ आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और अगर आप एस डिस्टेंस को मेजर करोगे तो इसको हम लिखेंगे यू नॉट और ओ, दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसकी फोकल लेंथ एफ होगी। अच्छा अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को तो ये डिस्टेंस आएगी वी ऑफ ओ, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर इमेज होगा फर्स्ट का वही ऑब्जेक्ट होगा सेकेंड का, इसका मतलब इन दोनों को अगर हम समअप कर देंगे तो एल के बराबर हो जाएगा, तो अपने को एक और एक इक्वेशन मिल जाती है। अगर उस इक्वेशन को हम लोग पहले सेटल कर लेते हैं, एक वी नॉट की जो वैल्यू आएगी प्लस वी नॉट पॉजिटिव होगा, हम लोग इसको इस तरह से रखेंगे कि ताकि वी नॉट पॉजिटिव यानी इमेज इस डायरेक्शन में बने, और यू ई का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे क्योंकि यू ई नेगेटिव होगा, ये एल के बराबर आना चाहिए, और एल को हम बोलते हैं ट्यूब लेंथ, बेसिकली ये ट्यूब के अंदर होता है जिसको वॉच करते हैं, तो दिस इज एल इज नोन एज ट्यूब लेंथ। कई बार आपको L भी दे सकता है और L से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछा जा सकता है, तो ठीक है अगर ट्यूब लेंथ पता होगा तो हम बोलेंगे V नॉट प्लस यू ई की वैल्यू ट्यूब लेंथ के इक्वल हो जाएगी। एक तो ये रिजल्ट अपने पास हो जा रहा है। अब अपने को मैग्नीफाइंग का पावर का फॉर्मूला बनाना है, तो H थीटा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एच डेस डिवाइड बाई मॉड ऑफ यू ई बोला जा सकता है, सो दैट इज थीटा। और व्हाट वाज थीटा नॉट, अगर हम थीटा नॉट की बात करते हैं तो थीटा नॉट एच पर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट डिवाइड बाय डी,
ये जनरल होता है. सो व्हाट द मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा, सो इसलिए हम बोलेंगे मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आएगी थीटा अपॉन थीटा नॉट. सो थीटा अपॉन थीटा नॉट की वैल्यू प्लेस कर देंगे, ये आएगा एच डैश डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ यू ई डिवाइड बाई एच अपॉन डी. डी की वैल्यू अपने को पता है, सो ये बनेगा एच डैश अपॉन एच इंटू डी डिवाइड बाई मॉड ऑफ यू ई. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है एच डैश अपॉन एच, ये मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का है, और सेकेंड वाला वही केस है जो सिंपल माइक्रोस्कोप का आया था. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. वैसे भी आप जानते हो कि जो रिजल्टेंट मैग्नीफिकेशन होता है, अगर मल्टीपल लेंस लिखते हैं तो एम वन इंटू एम टू लिखते हैं, अगर थ्री लेंस रखोगे तो रिजल्टेंट मैग्नीफिकेशन आएगा एम वन एम टू एम थ्री. सो मैग्नीफिकेशन दे गेट मल्टीप्लाइड व्हेन वी आर हैविंग अ मल्टीपल लेंसेज. बस एग्जैक्टली उसी को फॉलो कर रहा है. नाउ जहाँ तक ये एच डैश अपॉन एच है, ये ऑब्जेक्ट डिवाइड इमेज डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन हो गया. तो दैट इज मैग्नीफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव लेंस. इसको हम एम ओ लिख ले रहे हैं. इसको कैलकुलेट करना यूजुअल स्टफ होगा. एच की वैल्यू दी जाएगी, एच डैश निकालना है तो इसको हम वी नॉट बाई यू नॉट के टर्म में भी लिख सकते हैं. नाउ डी अपॉन यू ई, अब यू ई डिपेंड करेगा कि कौन सा हमको पॉइंट लेना है, दैट मीन्स नियर पॉइंट लेना है या फार पॉइंट लेना है, तो उसके लिए केसेस बना लेंगे. सो इस एम नॉट को अगर पहले सेटल करना चाहें, सो कैन वी से कि एम नॉट जिसको हम बोल रहे हैं उसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज बेसिकली एच डैश बाई एच, दैट्स मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ लेंस विच इज ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड दिस फॉर्मूला गोज लाइक वी नॉट डिवाइड बाई यू नॉट. सो आपको यू नॉट दिया जाएगा, वी नॉट निकाल लेंगे फोकल लेंथ को यूज़ करके, कैसे वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ फार्मूला अप्लाई करेंगे, किसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, और वहाँ से हम एम नॉट की वैल्यू पता कर सकते हैं. अगर हमको एफ पता होगा ऑब्जेक्टिव का तो उसके लिए कैलकुलेट हो जाएगी. एंड देन आफ्टर ये बात आएगी कि नियर पॉइंट है या फार पॉइंट है, तो उसके लिए माइक्रो सिंपल माइक्रोस्कोप के डायरेक्ट फार्मूला हम लोग बारो करेंगे. सो लेट मी राइट ओवर हियर. पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट केस देखते हैं. नॉर्मल एडजस्टमेंट शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ. सो नॉर्मल एडजस्टमेंट केस में कितना आएगा मैग्नीफिकेशन, तो ये एम नॉट तो आएगा. एम नॉट इज समथिंग की ऑब्जेक्टिव, एम ओ ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है इसको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ करेंगे. एंड इनटू, इनटू में क्या आएगा डी अपॉन यू ई. अगर हमने अपने को नॉर्मल एडजस्टमेंट करना है, इसका मतलब आई को कैसा चाहिए कि ये इनफाइनाइट पे बने. अगर ये इनफाइनाइट पे बनेगा तो ये पैरेलल चला जाएगा. अगर इनफाइनाइट पे ये तभी बनेगा, यानी इस लेंस से इमेज इनफाइनाइट पे बनना चाहिए. इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट आनी चाहिए वो फोकल लेंथ पे होनी चाहिए. दैट मीन्स यू ई की जो वैल्यू आनी चाहिए वो फोकल लेंथ के बराबर आनी चाहिए. किसके फोकल लेंथ के बराबर, आई पीस के फोकल लेंथ के बराबर आएगा. तो कैन वी से कि इस केस में मॉड ऑफ यू ई जिसको हम लोग लिख रहे थे, इसकी वैल्यू एफ ई के बराबर हो जाएगी. सो अगर एफ ई के इक्वल हो गया तो ये बन जाएगा डी अपॉन एफ ई, दस बिकम्स योर आंसर. और अगर आप इसको स्टर्म में लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो. इसलिए यू कैन राइट लाइक वी नॉट अपॉन यू नॉट इन ब्रैकेट डी अपॉन एफ ई, दैट इज द मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट. ना अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट के बाद नियर पॉइंट एडजस्टमेंट करना होगा तो नियर पॉइंट के लिए इसको डी बनाना पड़ेगा, और डी बना करके फिर सिमिलरली हम सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह से हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को सॉल्व किया था. और अपने को आइडिया है कि क्या चेंजेस आए थे. ये जो डी अपॉन एफ ई आ रहा है वो वन प्लस डी अपॉन एफ ई आ जाएगा. सो दूसरा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट केस में आप पाओगे कि उस केस में फिर यू ई एफ ई के बराबर नहीं रहेगा. उस केस में आप पाओगे कि जो मैग्नीफिकेशन पावर आएगी उसमें एक एम नॉट तो आएगा ही आएगा. जो डी अपॉन एफ ई आ रहा था वो वन प्लस डी अपॉन एफ ई के बराबर हो जाएगा. सो फॉर्मूला विल बी वी नॉट बाई यू नॉट इन ब्रैकेट वन प्लस डी अपॉन एफ ई. एफ ई मतलब आई पीस का फोकल लेंथ. सो ये दोनों फार्मूलाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर निकालने में हेल्प करेंगे आपको. इस पे जो सेकंड वाला पार्ट आ रहा है वो ये सेकंड वाला पार्ट सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो आप बोल सकते हो तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है. और सिंपल माइक्रोस्कोप के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया है, एम नॉट, दैट मीन्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस.
नो कैन यू से कि अगर अपने पास और भी लेंस ऑब्जेक्टिव के आगे हम लोग रखते हैं तो उसका नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कॉम्प्लेक्स केस के लिए। तो कंपाउंड केस के लिए आपको ये समझ में आता है। मोर ओवर इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है कि ये जो ट्यूब लेंथ के बारे में बात की थी, ट्यूब लेंथ कितना हो जाएगा। तो दोनों केस के लिए ट्यूब लेंथ हम लिख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल एडजस्टमेंट केस के लिए ट्यूब लेंथ की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या इसकी वैल्यू आप ऐसा बोलोगे कि दिस इज गोइंग टू बी यू ई की जगह हम एफ ई प्लेस कर देंगे। और अगर आपने नियर पॉइंट एडजस्टमेंट करना है तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट करने के लिए फिर हम यू ई निकालेंगे इसको यूज़ करके, और फिर उसको वी नॉट को कैलकुलेट करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे। तो पॉइंट इज कि इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे इन केस ऑफ ट्यूब लेंथ इज बीइंग आस्क्ड। वेल, सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड प्रायर टू दिस वी हैव कवर्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप के लिए इतना ही है, और इसके अपने नोट्स बना लिए हैं, और ये जो फॉर्मुलेशंस हैं, ये जो टर्म्स हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, रिकॉल रखिए, और इसी पर बेस क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। टर्म्स आपको याद रहेंगे तो आप उसका आंसर दे देंगे। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन और क्वेरी यू कैन ऑलवेज आस्क। थैंक यू।